गाजियाबाद के खोड़ा में राष्ट्रीय हिंदू मुस्लिम एकता मंच के बैनर के तले राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिल खान ने आम लोगों का चेकअप कराया। साथ ही पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के रेहान खान को आमंत्रित किया गया कि वो इस प्रोग्राम में पधारे। रेहान खान आए और अपने जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात को लेकर उन्होंने दस्तक टीवी से बात रखी कि वाकई में जो इस समय राष्ट्रीय हिंदू मुस्लिम एकता मंच संचालन कर रहा है, जिस प्रकार से देश के हित में जब जब दो गुट अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, तब ऐसे समय में रेहान खान का वाकई में हिंदू मुस्लिम एकता के साथ आना दिलचस्प तो है, लेकिन ये भी बात है कि समाज में जब आपको कुछ अच्छा होने वाला होता है तो एक अच्छे नेता की तलाश होती है। रेहान खान का व्यक्तित्व वाकई में हिंदू मुस्लिम एकता को एक करने वाला लगता है। फिलहाल आप देखते रहे दस्तक टीवी की रिपोर्ट।